हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर के लिए फॉरवर्ड रिवर्स का कंट्रोल सर्किट डिजाइन करेंगे यूजिंग पीएलसी। पार्ट वन और पार्ट टू में हम लोगों ने फॉरवर्ड रिवर्स का कंट्रोल सर्किट थ्री वे से डिजाइन किया था, तो तीनों के लिए हम लोग अलग अलग पीएलसी का लॉजिक बनाएंगे। तो हम लोग तीन केस लेते हैं। केस नंबर वन, केस वन इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग थ्री पुश बटन। इस केस में हमारा इनपुट क्या रहेगा और आउटपुट क्या रहेगा वो पहले डिफाइन कर लेते हैं। इनपुट में हमारा एक इमरजेंसी स्टॉप बटन आएगा, इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन। दूसरा मोटर स्टॉप पुश बटन। तीसरा फॉरवर्ड फॉरवर्ड के लिए पुश बटन आएगा, और चौथा आपका रिवर्स के लिए पुश बटन आएगा। पीएलसी के लॉजिक में चार इनपुट आएंगे जिसको हम लोग X0, X1, X2 और X3 से डोनेट करेंगे। सिमिलरली हमारा आउटपुट क्या क्या रहेगा वो देखते हैं। फॉरवर्ड कंडक्टर के लिए Y0, फॉरवर्ड कंडक्टर Y0, रिवर्स कंडक्टर के लिए Y1। सिमिलरली फॉरवर्ड का इंडिकेटर आएगा Y2। सिमिलरली रिवर्स का इंडिकेटर आएगा Y3। और एक मोटर स्टॉप का इंडिकेटर आएगा, इंडिकेटर Y4। अभी हम लोग इसको हार्डवेयर में कैसे कनेक्ट करना है उसका डायग्राम बना लेते हैं। Y0, Y1, Y2, Y3, Y4 और कॉमन। अभी हम लोग इनपुट के सेंसर्स को और आउटपुट के रिलेस को कनेक्ट करते हैं। ये हो गया हमारा फॉरवर्ड का पुश बटन, ये हो गया हमारा रिवर्स का पुश बटन, ये हो गया हमारा स्टॉप का पुश बटन। एक्चुअली X4 यूज नहीं किया गया है तो इसको हम लोग ब्लैंक ही छोड़ देंगे। कॉमन को हम लोग निगेटिव से या जैसा एज पर कॉन्फ़िगरेशन कनेक्ट कर देते हैं। आउटपुट का कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। आउटपुट में पहला हम लोग Y0 के लिए रिले एक यूज कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड, फॉरवर्ड के लिए C1, रिवर्स के लिए C2 का कंडक्टर। इंडिकेटर हमारा कनेक्ट हो जाएगा फॉरवर्ड का, रिवर्स का इंडिकेटर हो जाएगा और इसके बाद मोटर स्टॉप का। तो ये हमारा वायरिंग डायग्राम है केस वन के लिए। यहाँ पे इसको डायरेक्टली कनेक्ट किया गया है आउटपुट के कनेक्टर से, बट इन रियल कंडीशन यहाँ पे रिले होता है एक आइसोलेशन के लिए और पीएलसी के प्रोटेक्शन के लिए। अभी हम लोग केस टू और केस थ्री के लिए स्टडी करेंगे। दोनों में इनपुट और आउटपुट नियरली सेम है और हार्डवेयर डायग्राम भी लगभग सेम रहेगा, तो दोनों का हम लोग कॉमन ही बनाएंगे। तो हमारा केस टू क्या था? केस टू इम्प्लीमेंटेशन, केस टू इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग टू पुश बटन। सिमिलरली केस थ्री हमारा था इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग टू पुश बटन विद डिले। दोनों केस के लिए इनपुट और आउटपुट क्या रहेंगे वो देख लेते हैं। पहला इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन, दूसरा फॉरवर्ड पुश बटन, तीसरा रिवर्स पुश बटन। दोनों केस में स्टॉप पुश बटन नहीं यूज किया गया है, तो हम देख सकते हैं इसमें केवल टू बटन का यूज किया जा रहा है। सिमिलरली आउटपुट देख लेते हैं। फॉरवर्ड का कंडक्टर रहेगा, आउटपुट में फॉरवर्ड का कंडक्टर Y0,
अभी इसका हार्डवेयर डायग्राम बनाते हैं। अभी तीनों केस को हम लोग लेडर लॉजिक में इंप्लीमेंट करेंगे और उसको सिमुलेट करके देखेंगे। फॉरवर्ड रिवर्स का सर्किट हम लोग डेल्टा WPL सॉफ्ट सॉफ्टवेयर में बनाएंगे जो कि डेल्टा PLC के लिए है और इसमें ही सिमुलेशन करके देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं केस वन के साथ। सबसे पहले इमरजेंसी आएगा जो कि NC में यूज किया है तो यहाँ पे NO में आएगा। तो LD X0। सेकेंड आइटम हमारा है मोटर स्टॉप पुश बटन जो कि वहां पे NO में यूज किया गया है, यहाँ पे इसको NC में यूज कर। अभी क्या हो रहा है, X0 हमारा इमरजेंसी है, यहाँ से सिग्नल पास करेगा। X1 स्टॉप पुश बटन है तो यहाँ से भी सिग्नल पास करेगा। जैसे ही आप फॉरवर्ड का पुश बटन दबाओगे तो आपका Y0 जो कि फॉरवर्ड का कनेक्टर C1 है ऑन हो जाएगा, बट इसको होल्ड ऑन नहीं मिलेगा। तो होल्ड ऑन के लिए एक हम इसके अक्रॉस में C1 का Y0 लगाएंगे, LD Y0। यहाँ पे हमको एक सेफ्टी भी यूज करना है कि जब Y0 ऑन रहेगा तो Y1 ऑफ होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे एक NC का कॉन्टेक्ट यूज करेंगे, LDI Y1। ओके, इसी तरीके से हम लोग रिवर्स का सर्किट बनाते हैं। इसमें ही रिवर्स का पुश बटन LDF3। इसके बाद Y0 का NC यूज करेंगे जैसा कि प्रीवियस में यूज किया है। इसके बाद आउट Y1, Y1 का होल्ड ऑन यहां पे ले लेते हैं। के बाद हम लोग एक इंडिकेटर लगाते हैं Y0 के क्रॉस में, दूसरा इंडिकेटर लगाएंगे Y1 के क्रॉस में। एक इंडिकेटर और लगाना है जो शो करेगा कि मोटर आपका ऑफ कंडीशन में है। यहां से ही एक लाइन लेते हैं हम लोग एडिशनल। अभी इसमें एक दो NC का कॉन्टेक्ट यूज करेंगे, एक Y0 का दूसरा Y1 का। जब दोनों ऑफ रहेंगे तो ये इंडिकेटर ऑन होगा। अभी सिमुलेशन हमारा रेडी हो गया है, इसको हम लोग सिमुलेट करते हैं। पहले सिमुलेशन मोड में जाएंगे, इसके बाद रन करेंगे सर्किट को, इसके बाद ऑनलाइन मोड में जाएंगे। सर्किट आपका ऑनलाइन मोड में चला गया है। नाउ हम लोग इनपुट बिट को सेट करते हैं। X0 हमारा ऑन कंडीशन में रहेगा, X1 हमारा ऑलरेडी सेट है, X2 और X3 हमारे फॉरवर्ड और रिवर्स के पुश बटन है। तो सबसे पहले X2 को ऑन करते हैं। जैसे ही इसको ऑन करके ऑफ करते हैं, Y0 आपका ऑन हो गया, Y2 ऑन हो गया जो कि इंडिकेटर है, और Y1 और Y3 और Y4 तीनों ऑफ है। नाउ हम X3 को प्रेस करते हैं, सेट ऑन। X3 को सेट ऑन किया लेकिन Y1 नहीं ऑन हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें एक कंडीशन दिया हुआ है कि Y0 जब तक ऑफ नहीं होगा
तक ये सर्किट आगे मूव नहीं करेगा, ये प्रोटेक्शन है। तो हमको वाई जीरो को पहले ऑफ करना पड़ेगा। ऑफ करने के लिए हमको मोटर का ऑफ पुश बटन दबाना पड़ेगा। इसके कंडीशन को पहले चेंज कर देते हैं, सेट ऑफ, मोटर पुश बटन को ऑफ करते हैं। कर दिया वाई जीरो। वाई अगेन एक्स थ्री को ऑन करेंगे आप, जो कि रिवर्स का पुश बटन है। जैसे ही ऑन करेंगे वाई, इस कंडीशन में भी अगर आप एक्स टू को ऑन करते हो तो वाई जीरो ऑन नहीं होगा, और अगर दोनों मोटर आपका ऑफ है तो वाई फोर इंडिकेटर ऑन रहेगा, जिसका मतलब है कि दोनों मोटर ऑफ कंडीशन में है। इसके बाद हम लोग केस टू का स्टडी करते हैं, जिसमें स्टॉप बटन का यूज नहीं करेंगे और दो बटन पे ही ऑपरेशन करेंगे। अभी हम लोग केस टू को लेते हैं, जिसमें कि टू पुश बटन का यूज किया गया है फॉरवर्ड और रिवर्स ऑपरेशन के लिए, और इसमें स्टॉप पुश बटन नहीं यूज किया गया है। सबसे पहले इमरजेंसी को कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हमको रिवर्स पुश बटन का एनसी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम इंटरलॉक हमें करना है, तो हम लोग उसका एनसी यूज करते हैं, H2। अभी हम लोग फॉरवर्ड का पुश बटन यूज करेंगे। नाउ कंडीशन देंगे कि वाई वाई जीरो तभी ऑन होगा जब वाई वन ऑफ रहेगा। कंडीशन देते हैं LDI Y1। अभी कॉइल कनेक्ट कर देंगे आउट वाई जीरो। कॉइल के क्रॉस में एक इंडिकेटर भी लगा देंगे, जो शो करेगा फॉरवर्ड ऑन को। इसके लिए आउट वाई टू। ये सर्किट में एक्स वन, जो कि है फॉरवर्ड का पुश बटन, इसको होल्ड ऑन के लिए एक कॉन्टेक्ट वाई जीरो का यूज करना पड़ेगा, वो भी यूज कर लेते हैं। सिमिलरली रिवर्स के लिए भी सर्किट डिजाइन करते हैं। यहाँ पे आपको एक्स वन का एनसी कॉन्टेक्ट आएगा। इसके बाद एक्स टू का एनो कॉन्टेक्ट, जो कि रिवर्स का पुश बटन है। इसके बाद प्रोटेक्शन के लिए वाई जीरो का एनसी कॉन्टेक्ट आएगा। इसके बाद हम लोग वाई वन का कॉइल कनेक्ट कर देंगे। और इसके क्रॉस में एक इंडिकेटर लगा देंगे वाई थ्री, जो कि इंडिकेट करेगा रिवर्स मोटर ऑन। और एक्स टू के क्रॉस में हमको एक होल्ड ऑन देना पड़ेगा वाई वन का। इसके बाद हमको एक इंडिकेटर वाई फोर कनेक्ट करना है, जो शो करेगा कि मोटर हमारा ऑफ कंडीशन में है। तो इसके लिए हमको लॉजिक ऐसा यूज करना है कि वाई जीरो और वाई वन जब दोनों ऑफ रहेंगे। इसके लिए वाई जीरो और वाई वन का सिमुलेशन को ऑन करेंगे। अभी इनपुट बिट को सेट कर देते हैं। जैसे ही आप इनपुट बिट को सेट करोगे, वाई फोर ऑन हो गया है, मीन्स मोटर हमारा ऑफ कंडीशन में है। एक्स वन को आप प्रेस करो। वाई जीरो और वाई टू ऑन हो गया, मतलब आपका मोटर
फॉरवर्ड कंडीशन में रन कर रहा है और उसका इंडिकेशन भी आ रहा है वाई टू से। अगेन एक्स टू को प्रेस करेंगे, जैसे ही एक्स टू को प्रेस करते हैं वाई जीरो और वाई टू ऑफ हो गया और वाई वन और वाई थ्री ऑन हो गया। ये हमारा रिवर्स कंडीशन है। किसी भी कंडीशन में अगर आप इमरजेंसी पुश बटन को प्रेस करोगे तो आपका वाई जीरो वाई टू वाई वन वाई थ्री चारों ऑफ हो जाएगा और इसके बाद वाई फोर जो कि आपका मोटर स्टॉप का इंडिकेटर है वो भी ऑफ हो जाएगा। अगले पार्ट में हम लोग केस थ्री का स्टडी करेंगे जिसमें कि हमको दोनों मोड में डिले को इनकॉर्पोरेट करना है। अभी हम लोग केस थ्री सर्किट का स्टडी करेंगे जिसमें कि हम लोग फॉरवर्ड रिवर्स का सर्किट विद डिले इंप्लीमेंट करने वाले हैं। इसमें फॉरवर्ड ऑपरेशन 10 सेकंड के डिले के बाद ऑन होगा, सिमिलरली रिवर्स ऑपरेशन 10 सेकंड के डिले के बाद ऑन होगा। सबसे पहला आइटम हमारा इमरजेंसी स्टॉप एक्स जीरो, इसके बाद रिवर्स का पुश बटन एनसी में, इसके बाद हम लोग यूज करते हैं एक्स वन एनओ में जो कि फॉरवर्ड का पुश बटन है। नौ एम जीरो जो कि इंटरनल बिट है उसको यूज करने वाले हैं हम लोग, उसके कॉइल को कनेक्ट कर देते हैं। ये लाइन के होल्ड ऑन के लिए एम जीरो का कॉन्टेक्ट एक्स वन के क्रॉस में यूज करेंगे। अब इस सर्किट में जैसे ही एक्स वन ऑन होगा एम जीरो ऑन हो जाएगा अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है तो। इस लाइन में जैसे ही X1 को प्रेस करेंगे M0 ऑन हो जाएगा अगर X2 का कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है तो। M0 के क्रॉस में एक टाइमर लगाएंगे, टाइमर का कमांड है TMR T1K और इसके बाद वैल्यू लिखना है। तो K10 का मतलब होता है 1 सेकेंड, तो हमको 10 सेकेंड के लिए ऑन करना है। इसका मतलब हुआ हमको K100 यहाँ पे यूज करना है। यहां से हमको एक लाइन लूप करना है और टाइमर का एनओ कॉन्टेक्ट यूज करेंगे। इसके बाद रिवर्स का आउटपुट जो कि वाई वन है उसका एनसी यूज करेंगे। और इसको हम लोग कॉइल से कनेक्ट कर देंगे वाई जीरो के। फॉरवर्ड का इंडिकेटर Y2 Y0 के अक्रॉस में कनेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से हमारा फॉरवर्ड का सर्किट रेडी हो गया है। अभी हम लोग रिवर्स का सर्किट बनाएंगे। इसमें दो कॉन्टेक्ट आएंगे, Y0 का NC कॉन्टेक्ट और Y1 का NC कॉन्टेक्ट। अभी इसको सिमुलेशन मोड में लेके जाते हैं। अगेन ये सर्किट में हमने X2 के क्रॉस में होल्ड ऑन ने दिया है जो कि हमको देना पड़ेगा। M1 का होल्ड ऑन यहाँ पे आएगा। बिट को सेट कर देते हैं सेट ऑन। दो पुश बटन X1 और X2 पर हमारा मोटर ऑन ऑफ होगा। पहले X1 को ऑन करेंगे और याद रखिए कि X1 और X2 जो है पुश बटन है, तो यहाँ पे हम लोग इंटरनल बिट्स को ही ऑन ऑफ कर रहे हैं। तो इसको हम लोग ऑन करने के बाद उसको ऑफ भी करना है। ऑन किया, इसको ऑफ कर दिया, टाइमर हमारा काउंटिंग कर रहा है बट Y0 और Y2 नहीं ऑन हुआ है। 10 सेकंड के बाद Y0 ऑन हो जाएगा क्योंकि ये बिट NC हो जाएगा।
वाई जीरो वाई टू ऑन हो गया है। अगेन हमको अगर रिवर्स में ऑन करना है तो रिवर्स का पुश बटन प्रेस करेंगे, ऑन करके इसको ऑफ करना है। टाइमर टी टू काउंटिंग कर रहा है और 20 सेकंड के बाद वाई वन ऑन होगा और टी टू अभी एनओ में है, जैसे ही 20 सेकंड क्रॉस करेगा टी टू एनसी में चला जाएगा। Y1 और Y3 ऑन हो गया, Y3 हमारा रिवर्स का इंडिकेटर है और Y1 हमारा रिवर्स का कनेक्टर C2 है। अगर इमरजेंसी लगता है तो मोटर ऑफ हो जाएगा और Y4 का सिग्नल आएगा कि मोटर ऑफ हो गया है। इस तरीके से हमने तीन केस के लिए अलग अलग लेडर डायग्राम बनाया। पहले केस में हमने देखा कि रिवर्स फॉरवर्ड का ऑपरेशन थ्री पुश बटन से कैसे कंट्रोल करना है, दूसरे केस में हमने देखा कि रिवर्स फॉरवर्ड का ऑपरेशन टू पुश बटन पे कैसे ऑपरेट करना है, थर्ड केस में हमने देखा कि रिवर्स फॉरवर्ड का ऑपरेशन टू पुश बटन पे विद डिले कैसे ऑपरेट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग।